दिनांक 10/11/2018 की थाना कर्मा क्षेत्र की एक घटना है, जिसमें एक महिला ने ये शिकायत करी थी कि गांव के ही 3 व्यक्ति ने, जिसमें एक पिता और उसके 2 पुत्र को अभियुक्त बताया गया था, उन्होंने मॉर्निंग में 5:30 बजे जब ये शौच के लिए गई थी तो इनके साथ मारपीट करी और इनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ करी और उनको इंजरी पहुंचाई। इस मामले में हमने पीड़िता को पैनल से मेडिकल कराने के लिए भेजा है, उनको मिर्ज़ापुर भेजा गया है, तो आज शाम तक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट मिलने की संभावना है। जो भी उन्होंने तहरीर उनकी तरफ से मिली है उसमें FIR पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकरण में एक और तथ्य जो सामने आ रहा है, जो पीड़िता महिला है उसका पति 302 के जुर्म में जेल में बंद है और अभी इस प्रकरण में जिनको अभियुक्त बताया जा रहा है वो 302 वाले प्रकरण के वो वादी है, कंप्लेनेंट है। तो ये एक और इस प्रकरण में एंगल हम लोग को मिला है। हम इस चीज़ पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि कहीं ये पेशबंदी में तो ये पूरा प्रकरण या ये कंप्लेन नहीं की जा रही है। कुछ तथ्य हमें ऐसे भी मिले हैं कि इस वाले प्रकरण में जो 3 अभियुक्त है उसमें से एक अभियुक्त की लोकेशन, जो घटना का समय बताया गया है, उस टाइम कहीं और पे मिली हुई है और घटना वाले दिन वो 7:00 बजे बाहर से अपने गांव में वापस आए हैं। ऐसे कुछ तथ्य है जो कुछ और इशारा कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी सत्यता है वो बाहर आए, कोई निर्दोष व्यक्ति इसमें सजा ना पाए और अगर कोई इसमें दोषी है तो उनको बख्शा ना जाए। ये विवेचना का पार्ट है और हम इसमें बहुत ही निष्पक्षतापूर्वक विवेचना कराएंगे और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित